ਸਿਤਾਰਾ ਵਾਲ ਖਾਵੇ ਹੋਰ ਨੀ ਜੀ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਸਾਗਰੀ ਫਿਰਤੀ ਚੀ ਦੌਲਤ ਨਿਆਰੀ ਪਰ ਮਸਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਨਿਆ ਵਾਨੀ ਬੇਧਨ ਫਿਰਮਾ ਚਲਾ ਡਵਰੀ ਸੰਗੇ ਸ਼ੀਲ ਕਾ ਤੂੰ ਮੰਗਲੇ ਦਾਰੀ तो हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएक्स गेमिंग में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं एक सोलो कॉन्करर रश का गेम प्ले लेकर, और आपको इस गेम प्ले में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप भी कॉन्करर पुश कर सकते हैं। तो गाइस हमारी पिछली वीडियो में एक बंदे ने हमसे कमेंट करके पूछा कि भाई मैं कॉन्करर पुश कैसे करूँ। तो वो भाई बोल रहे थे कि यार मैं कॉन्करर पुश करने की जब भी कोशिश करता हूँ मुझसे कॉन्करर पुश हो नहीं पाता। तो भाई आपको सिंपली क्या करना है यार, आपको कॉन्करर पुश छोड़ना नहीं है, आपको सिंपली ट्राई करते रहना है और आपको एक दिन में 200 प्लस करना है तो आपका कॉन्करर पुश आपका भी हो जाएगा। आप चाहे डायमंड पे हो या आप चाहे प्लेटिनम पे हो। तो गाइस अब चलते हैं गेम प्ले की ओर। तो गाइस मैं प्लेन के रूट से, ये मिलिट्री बेस काफ़ी दूर था तो मैं मिलिट्री बेस में आ गया। तो मैंने आते सबसे पहले टॉप पोर्शन को लूट किया, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और बंदा होता तो मुझे टॉप पोर्शन लूट नहीं करने देता। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी अंदर की ओर लूट कर ही रहा हूँ तो कि मुझे बाइक की आवाज़ आती है और ये बंदा बेचारा फालतू में फैला जाता है। अगर ये यहाँ पे ना आता तो ये काश मेरे हाथ से बच जाता, लेकिन इस बेचारे का भी अभी गेम स्टार्ट ही होगी और ये अभी मर गया। बिल्डिंग को लूट कर रहा था और मुझे एक बोट मिल जाता है तो मैं उसे भी मारकर उसका भी खेल लेता हूँ। तो गाइस मुझे लूट करते वक्त फ्लेयर मिल गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने उस फ्लेयर का एक बी आर डी एम मंगवा लिया। तो गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब आपको फ्लेयर मिलती है आप उसका बी आर डी एम मंगाते हैं या एयर ड्रॉप मंगाते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपनी बी आर डी एम लेकर यहाँ से आगे को बढ़ता हूँ एंड मैं अपने साथ कुछ फ्यूल कैंस भी रखता हूँ। तो गाइस अब बात आती है कि हम कॉन्करर में पुश कैसे करें। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक आपके चार सर्कल पूरे नहीं हुए तब तक आपको होल्ड करके रखना है। जब आपका फिफ्थ सर्कल शुरू हो तब आपको एक दो किल ले लेने हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान से पुश करके खेलना है, क्योंकि अगर आप चार सर्कल तक होल्ड करके बैठे रहेंगे तो इससे आपका सर्वाइवर भी बढ़ेगा और आपके प्लस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप सिंपली कुछ एयर ड्रॉप्स को भी लूटते हैं तब भी आपके प्लस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड गाइस अब बात आती है कि फिफ्थ सर्कल में हमें कैसे प्ले करना है। तो जब आपका फिफ्थ सर्कल आ जाए तो आपको सेंट्रल होल्ड करके बैठ जाना है, और इसका फ़ायदा ये है कि आपको बंदे भी मिलेंगे, आप उनके किल लेके वहाँ से भी प्लस कर सकते हैं और आपके इसमें आप टॉप 15 में भी आ जाते हैं। तो गाइस अब आते हैं हम गेम प्ले की। तो अभी यार मुझे यहाँ पे जोन में जाना होता है लेकिन अभी आगे फायरिंग हो रही होती है तो मैं पहले रीफिलिंग कर लेता हूँ, और आगे मुझे एक ड्रॉप दिखता है तो मैं उस ड्रॉप को भी यहाँ पे लूट कर लेता हूँ। क्योंकि यार मैंने आपको भी बताया कि ड्रॉप लूट करने का ये फ़ायदा है कि इससे भी आपके जो पॉइंट है वो प्लस हो जाते हैं अगर आप ड्रॉप लूट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली ड्रॉप को लूट करता हूँ एंड मुझे ड्रॉप में से एक ग्रोथा मिलती है तो मैं बैरल की जगह ग्रोथा को रख लेता हूँ। उस साइड में भी बंदे काफ़ी फायरिंग कर रहे हैं तो मैं जल्दी से बी आर डी एम के अंदर भी बैठ जाता हूँ। अभी सामने की तरफ बंदा आ जाता है इसलिए मैं अपने बी आर डी एम को लेकर अलग जगह पे आ जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे बी आर डी एम को फोड़ सकता था। तो गाइस अभी फ़िलहाल 21 बंदे अलाइव हैं और मैंने अभी 2 किल किए हैं। तो आप गेम प्ले को लास्ट तक देखिए ताकि आप देख सकें कि मैंने इस गेम प्ले में कितने किल किए। तो इस गेम प्ले में एक और बंदा रहता है जिसके पास बी आर डी एम होती है, तो लास्ट में इसके साथ में मेरी काफ़ी इंटेंस फाइट होती है। तो आप प्लीज़ गेम प्ले को लास्ट तक देखें। तो फिर मैं अपने बी आर डी एम को यहाँ पे रोक लेता हूँ क्योंकि एक अच्छा कवर भी मिल जाता है मुझे यहाँ से, और मैं साइड से भी एक गाड़ी उड़ते रहे होते लेकिन मैं उसे एक बार के लिए नहीं उस पर शूट करता क्योंकि उसके भी एक पीछे बंदा होता है, अगर मैं उसे मारूंगा तो वो बंदा मुझे भी किल कर सकता है। तो भाई इसमें एक बंदा पीछे से बगी लेके आ जाता है और वो फालतू मेरे हाथों से पेला जाता है क्योंकि वो पीछे से काफ़ी डैमेज करवा के आया था अपनी बगी पहले से ही, और मैंने थोड़ी सी फायर की और इसकी बगी ब्लास्ट हो गई। एंड पीछे यार काफ़ी बंदे काफ़ी टाइम से इंटेंस फाइट कर रहे हैं
और मुझे डर है कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो वो बंदे मुझे किल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो बंदे इंडियन फाइट ले रहे हैं, और अगर मैं एक बंदे को भी मारता तो दूसरा बंदा मुझे किल कर सकता है। तो मैं जल्दी से अपनी बी आर डी में बैठ जाता हूँ। तो गाइस फिलहाल अभी हमारे जोन में बचे हैं 14 बंदे अलाइव और मेरे 3 किल हैं, और साइड से यार काफ़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा चेक करके आता हूँ। और मुझे वहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, लेकिन वहाँ पे उसके पीछे भी एक और बंदा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा फाइट नहीं लेता यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बंदा सामने की तरफ रहता है मैं उस पर मोली करता हूँ, लेकिन वो मोली उसे टच नहीं करती। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बंदा मेरे पे आके फायर करने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से जाके अपनी बी आर डी एम में बैठ जाता हूँ, और वो बंदा मेरी बी आर डी एम पे थोड़ा सा फायर करता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। तो गाइस इस गेम प्ले में एक और बी आर डी एम रहती है, और मेरे सामने की तरफ से वो बंदा अपनी बी आर डी एम लेकर जा रहा है। तो गाइस ये बंदा काफ़ी देर से मेरे पास पास से घूम ही जा रहा है, ये अपनी बी आर डी एम लेके ये बंदा। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ी सी एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ बंदे फायरिंग कर रहे होते हैं। एंड उस तरफ कोई बगी होती है, और मुझे लगता है कि उस तरफ भी बंदा हो सकता है, और ये बी आर डी एम वाला बंदा भी उस तरफ ही जा रहा होता है। तो यहाँ पे पेड़ के पीछे एक्चुअली में एक बंदा होता है, तो उसकी किस्मत ख़राब होती है, क्योंकि दोनों बी आर डी एम वालों ने इसे दोनों तरफ से खेल लिया है, तो फाइनली ये भी किल हो जाता है। तो वैसे उस बग्गी की तरफ एक बंदा रहता है, तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ ताकि मुझे उसकी लोकेशन लोकेट हो पाए। तो मैं इस पेड़ के पीछे अपने बी आर डी एम को रोक लेता हूँ, और उस बंदे को लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो बंदा घास में लेट जाता है, उसे लगता है कि मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता है, लेकिन वो मूवमेंट कर रहा था, इस कारण मुझे उसकी वो लोकेशन पता लग जाती है और वो किल हो जाता है। एंड गाइस अब इस पूरे मैच में हम सिर्फ दो बंदे बचे हैं, वो बी आर डी एम वाला एक मैं। तो वो बंदा अपने बी आर डी एम से उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैं भी अपनी बी आर डी एम में बैठ के जोन की तरफ चलता हूँ। तो वो बंदा अभी सामने अपनी बी आर डी एम लेके खड़ा था। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं थोड़ी सी बैंडेजेस अप्लाई कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। इतने में ही वो बंदा अपनी बी आर डी एम से बाहर आके मुझ पे लगातार 2-3 नेड करता है, लेकिन मैं फाइनली उन नेड से भी बच जाता हूँ, और मुझे कोई खास डैमेज नहीं होती। वो बंदा अपने ऊपर स्मोक कर लेता है, और वो अपनी बी आर डी एम में फिर से बैठ जाता है। तो गाइस इतने में मैं भी अपनी बी आर डी एम से बाहर आके उसकी बी आर डी एम पे एक नेड करता हूँ, लेकिन इससे भी उसे कोई खास डैमेज नहीं होती, इसलिए मैं अपनी बी आर डी एम में फिर से बैठ के उसकी बी आर डी एम के पास जाता हूँ। और मुझे पता होता है कि वो बी आर डी एम वाला बंदा अपनी बी आर डी एम से फ़िलहाल बाहर खड़ा है, क्योंकि मुझे वो दिख चुका था पीछे की तरफ अपनी बी आर डी एम के। तो वो बंदा मेरी बी आर डी एम पे थोड़ी सी फायर करता है, और मैं भी अपनी बी आर डी एम से बाहर आ जाता हूँ, और उसे किल कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली मेरा भी चिकन डिनर हो जाता है, पर मेरी कुछ खास प्लस नहीं होगा। वीडियो को कर दे लाइक। आज के गेम प्ले के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।